लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल ऑल इंडिया जॉब को सब्सक्राइब करें। इंडियन रेलवे की ओर से 11,500 से भी ज्यादा वैकेंसीज आने वाली हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे एप्लीकेशन प्रोसेस, एज लिमिट, एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस, इन सभी की डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अब वेबसाइट पे आते हैं, हम बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स की। रेलवे टीटीई रिक्रूटमेंट 2023 का वैकेंसी डिटेल के बारे में, जल्दी वैकेंसी आने वाली है। ये पोस्ट न्यू वर्ल्ड टेक के वेबसाइट पर डाली गई है। न्यू वर्ल्ड टेक 3.57 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाला एक चैनल है, जिनकी एक वेबसाइट है टिप्स वायरल बज। इनके पोस्ट के अनुसार ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन रेलवे, पोस्ट नेम ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर यानी टीटीई, टिकट कलेक्टर भी कुछ लोग कहते हैं। टोटल वैकेंसीज की बात की जाए तो यार 11,500 से भी ज़्यादा वैकेंसीज आने वाली हैं। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन रहने वाला है, ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात की जाए तो यार मासिक वेतन आपका रहेगा 100 से लेकर 81,000 रुपये तक। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यार कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा सबसे पहले, फिर मेडिकल टेस्ट होगा और लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसके बाद आपकी भर्ती हो जाएगी। रेलवे टीटीई सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यार 200 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स के। पहले सब्जेक्ट में रहेगा जनरल अवेयरनेस, जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के। फिर अरिथमेटिक्स, जिसमें 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। टेक्निकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। रीजनिंग एबिलिटी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। जनरल इंटेलिजेंस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। अब ये पेपर 2 घंटे का होगा आपका। एज लिमिट की बात की जाए तो यार मिनिमम एज 18 होगी, मैक्सिमम 32 साल होगा। एज रिलैक्सेशन आपको रेलवे के रिक्रूटमेंट रूल के हिसाब से मिल जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यार मिनिमम आपको 12वीं और ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए। अब आगे एप्लीकेशन प्रोसेस की बात कर लेते हैं यार। सबसे पहले आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ पे आपको अपना प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ेगा, क्रेडेंशियल डिटेल डालना पड़ेगा, जैसे अपना नाम, आधार नंबर, फ़ोन नंबर, एड्रेस। फिर उसके बाद आपको अपना स्कैन कॉपी वाला रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा, जैसे आधार कार्ड की फ़ोटो, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, अपनी मार्कशीट की स्कैन कॉपी। ये सब अपलोड करने के बाद लास्ट में आपको एप्लीकेशन फ़ी का पेमेंट करना पड़ेगा, ताकि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। सक्सेसफुली सबमिट हो जाने के बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेना है और या फिर डाउनलोड कर सकते हैं आप। अब मैं आपको डेट के बारे में बता देता हूँ यार, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अगस्त में एप्लीकेशन फॉर्म का फिल करना स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट रहेगा सितंबर। तो यार इसी के साथ हमारा आज का वीडियो होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।